हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र मंदिर में से एक जगन्नाथ मंदिर का इतिहास काफी अनूठा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण के साथ राधा साथ न होकर बलराम और सुभद्रा क्यों है, तथा पुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा की आंखें फैली हुई क्यों है? तो चलिए आज हम आपको इसके पीछे छिपे इतिहास का कारण बताते हैं। एक बार माता यशोदा माता देवकी के साथ द्वारका पधारी। वहां कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण के बचपन की लीलाओं को सुनाने की बात कही। उनके साथ बहन सुभद्रा भी उस वक्त मौजूद थी। माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देंगी, पर ये कथा कृष्ण और बलराम के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सुभद्रा द्वार पर पहरा देने के लिए तैयार हो गई। माता ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान की लीला के कथा सुनाने में सब इतने विलीन हो गए कि अपनी सुध-बुध खो बैठे। सुभद्रा को भी पता नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए और उनके साथ ही कथा का आनंद लेने लगे। बचपन की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें फैलने लगी। सुभद्रा की भी यही दशा हुई। वह आनंदित होकर कृष्णा की कथा में लीन हो गई। उसी समय श्री नारद जी वहां पधारे। किसी के आने का एहसास होते ही कथा रुक गई। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। वह बोले, भगवन, आपका यह रूप बहुत सुंदर है। आप इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वह इस रूप में अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही रूप मौजूद है, जिसमें वह अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ है। परंतु यह स्वरूप भी आधा अधूरा सा क्यों है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इस मंदिर से जुड़ी यह पौराणिक कथा है कि भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकचौंध करने वाली थी, मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को सपने में इस मूर्ति के दर्शन हुए थे। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बड़ी कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे एक माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आ सकते। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर को पता चल गया और वह द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी पूरी नहीं हुई है, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब भगवान के इच्छा अनुसार हुआ है। यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई और तब से विष्णु भगवान के इस स्वरूप को पूजे जाने लगा।